श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक, यहाँ भी दोस्तों सब ठीक ठाक है। बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो के बारे में। दोस्तों आज जिस स्थान पर हम खड़े हैं दोस्तों, वह है बिरला मंदिर, जो मथुरा से वृंदावन की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित है। दोस्तों यह मंदिर सेठ बिरला जी ने बनवाया था। बताते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें दोस्तों, और इस मंदिर का परिसर, और इसके आपको दर्शन भी कराएंगे। बने रहिए वीडियो के साथ, चलते हैं मंदिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आ गए हम मंदिर के सामने। ये रोड है ना दोस्तों, ये मथुरा से वृंदावन की ओर जाने वाला रोड है। दोस्तों यह मंदिर मथुरा रेलवे स्टेशन से करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों इस मंदिर को भागवत गीता मंदिर या बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मंदिर में एंटर करते ही दो शेरों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों एक लेफ्ट में यह मूर्ति लगी हुई है, और इधर राइट में आके दोस्तों इस साइड में ये मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। दोस्तों यह है दोस्तों गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं। यह दोस्तों हाथ जोड़कर मेन मंदिर के ठीक सामने विराजमान हैं दोस्तों। और यही है वो मंदिर जिसके अंदर लक्ष्मी नारायण और राम सीता के साथ साथ राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है। तो चलते हैं दोस्तों मंदिर के अंदर, कराते हैं उन विराजमान देवी देवताओं के दर्शन और दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर का कैसा है नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, सामने विराजमान है भगवान श्री कृष्ण और महिलाएं कर रही हैं भजन कीर्तन। देखिए दोस्तों किस प्रकार संगमरमर के पत्थर से नक्काशी की गई है मंदिर के अंदर, और दीवारों पर चित्र बने हुए हैं जो महाभारत के कुछ सीन को याद दिलाते हैं। दोस्तों इधर राइट में नारायण जी के मंदिर है दोस्तों, ये आप सामने देख रहे हैं, सामने लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। चलते हैं उनके पास और आपको कराते हैं उनके दर्शन। दोस्तों माताएं बहुत अच्छा कीर्तन कर रही हैं, जिसे देखकर मेरा भी मन कीर्तन करने का कर रहा है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, लेफ्ट में ये गेट है जिससे हम मंदिर के बाहर जा सकते हैं। दोस्तों ये हैं लक्ष्मी नारायण के दर्शन जो इस समय आप कर रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखिए कितने सुंदर और अद्भुत दर्शन है श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के। तो ये है दोस्तों मंदिर के बीचों बीच से मंदिर के अंदर का नज़ारा। आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार मंदिर की दीवारों पर महाभारत के समय के सुंदर सुंदर चित्र दर्शाए गए हैं। काफ़ी अच्छी और अद्भुत नक्काशी की गई है दोस्तों मंदिर के अंदर। दोस्तों अब आपको कराते हैं राम और सीता जी के दर्शन। तो ये हैं दोस्तों राम और सीता जी के अद्भुत दर्शन जो आप इस समय कर रहे हैं। दोस्तों बोलो सिया बलराम चंद्र की जय। ये हैं दोस्तों इस मंदिर के पुजारी, इनके चरण स्पर्श करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। दोस्तों ये है मंदिर का तीसरा गेट जो मंदिर से बाहर जाता है। दोस्तों इस मेन मंदिर में तीन गेट हैं। पहला गेट वही था जिससे एंटर होकर हमने भगवान जी के दर्शन किए थे, और दूसरा गेट मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था, और ये है तीसरा गेट जिससे हम मंदिर से बाहर आए हैं। अब आपको बताते हैं मंदिर के बाहर के परिसर के बारे में। तो चलिए कराते हैं आपको गीता स्तंभ के दर्शन जो इस समय आप देख रहे हैं। इस स्तंभ की यह खासियत है कि इस पर भागवत गीता के सभी 18 अध्याय लिखे हुए हैं, इसलिए इसे गीता स्तंभ कहते हैं। तो चलते हैं और इसके पास से इसके दर्शन कराते हैं। तो ये है वो स्तंभ, देखिए दोस्तों कितना ऊंचा है ये स्तंभ। दोस्तों इस पर गीता के सभी 18 अध्याय लिखे हुए हैं, इसलिए इसे गीता स्तंभ के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। दोस्तों मेरे को समझ में कुछ आ नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा हुआ, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इस पर लिखा हुआ है। वास्तव में ही इस पर गीता के सभी 18 अध्याय लिखे हुए। इस चित्र में आप देखिए दोस्तों, यहाँ भी श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। दोस्तों अब इस साइड आते हैं तो यहाँ साइड से फिर यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, और बगल से एक फिर एक तस्वीर बनी हुई है जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है, और नीचे संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और स्तंभ की दूसरी साइड कौन सा चित्र बना है दोस्तों वो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को फिर से कुछ कह रहे हैं, और साथ में बगल से उनके सिपाही वगैरह भी खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी नक्काशी पत्थर पर की गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये देखिए आप चारों स्तंभ से चारों तरफ की जो नज़ारा आप देखने को मिल रहा है, आपको देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है इस मंदिर का। दोस्तों अब आपको कराते हैं श्री दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर के दर्शन जो इसी मंदिर में विराजमान है हनुमान जी।
तो इधर से है उनके मंदिर के लिए रास्ता। दोस्तों ये जो रास्ता है ये गीता स्तंभ के बराबर से ही उनके मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है। जो आप रेड कलर की जो दीवार देख रहे हो दोस्तों, ये गीता स्तंभ की ही दीवार है। यहाँ से उनके गीता स्तंभ के सामने ही उनके मंदिर विराजमान है। दोस्तों आपको दिखाते हैं, तो दोस्तों ये है वो दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर। चलते हैं दोस्तों मंदिर के पास और करते हैं हनुमान जी के अद्भुत दर्शन। ये देखिए दोस्तों सामने लिखा हुआ है श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर। अब चलते हैं दोस्तों अंदर और करते हैं प्रभु के दर्शन। लेकिन दोस्तों क्षमा चाहूँगा, अभी दर्शन बंद हैं, पर मैं आपको गेट के बाहर से प्रभु के दर्शन करा दूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हनुमान जी के अद्भुत दर्शन। एक बार हमारे साथ बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। दोस्तों आप देख सकते हैं हनुमान जी ने कितनी अच्छी पोशाक पहनी हुई है। इस पोशाक में हनुमान जी कितने सुंदर दिख रहे हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों मंदिर से बाहर और दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा। दोस्तों ये है मंदिर के दोनों तरफ का सुंदर सा वातावरण। यहाँ पास के लोग छुट्टी होने पर और मॉर्निंग टाइम में टहलने और घूमने भी आते हैं दोस्तों। यात्री भी यहाँ पर वृंदावन जब जाते हैं तो यहाँ घूमने भी आते हैं दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ से यह पूरे मंदिर का नज़ारा देखिए, कितना सुंदर लग रहा है ये मंदिर देखने में। अगर आप मथुरा आएँ तो दोस्तों इस मंदिर के दर्शन ज़रूर कर सकते हैं, देखने में काफ़ी अच्छा। दोस्तों अब आपको कराते हैं कृष्ण जी के रथ के दर्शन, जो हनुमान जी के मंदिर के सामने और गीता स्तंभ के बगल से विराजमान है। दोस्तों ये आप सामने देख रहे हैं इस समय, वही है गीता रथ जो गीता स्तंभ के बराबर से विराजमान है, जो मैं आपको पहले ही गीता स्तंभ के दर्शन करा चुका हूँ। तो चलते हैं गीता रथ की तरफ और कराते हैं इसके दर्शन। तो ये है दोस्तों गीता रथ जो इस पर लिखा हुआ है, और इस पर एक मेन पॉइंट दोस्तों कि इस पर चढ़ना धार्मिक अपराध है। और ये देखिए इस पर रखा हुआ है शंख, और ये है। अब आपको मैं इसके सामने से इसके दर्शन कराऊँगा। ये देखिए दोस्तों गीता रथ के सामने से दर्शन। सामने कुछ यात्री रथ के सामने अपनी सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, तो इसके पास जाके मैं और थोड़ा सा आपको इस साइड से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये है दो घोड़े जो इस रथ से जुड़े हुए हैं, और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको दर्शन संकेत तो करा दीजिए। ये रखी हुई है यहाँ पर भागवत गीता, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों शायद आपको दिख रहा होगा, लिख रहा है इस पर गीता, तो इस पर गीता भागवत गीता रखी हुई है। और दोस्तों गीता जयंती पर हर साल यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है, बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं यहाँ पर। दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं रथ से मंदिर के चारों ओर का नज़ारा। ये सामने जो दिख रहा है ना दोस्तों मंदिर, ये वही मंदिर है जिसमें मैंने आपको दर्शन कराए थे। देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। आप चलते हैं दोस्तों मंदिर के दूसरी तरफ और दिखाते हैं मंदिर के दूसरी तरफ का नज़ारा और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो दोस्तों यहीं से हम मंदिर के पीछे होते हुए हम मंदिर के दूसरी तरफ निकलेंगे। दोस्तों अब आ गए हम मंदिर के पीछे और आपको बताते हैं मंदिर के बारे में कि ये मंदिर कब बना था और किन महाशय जी ने ये मंदिर बनाया था। तो दोस्तों ये राजा बलदेव दास जी बिल्ला जी ने यह मंदिर 2002 में अपनी माता पिता की याद में बनवाया था, और इस मंदिर की देखभाल के लिए आर्य धर्म संघ के लोगों को यह मंदिर सौंप दिया गया था देखभाल के लिए। दोस्तों अब चलते हैं मंदिर की दूसरी तरफ। तो दोस्तों इस दीवार पर भी एक कुछ लिखा हुआ है दोस्तों संस्कृत में, जो इसका अर्थ मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे ही दोस्तों मंदिर की चारों तरफ दीवारों पर चित्र बने हुए हैं और उनके बारे में लिखा हुआ है। दोस्तों अब आपको एक ऐसा दृश्य दिखाते हैं जो महाभारत के दृश्य को दर्शाता है दोस्तों। तो दोस्तों यही है वो दृश्य जो महाभारत से लिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ ये दृश्य महाभारत में कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, दोनों तरफ के सैनिक तैयार थे। तो उसी युद्ध से शुरू होने से पहले एक टटेरी नामक मादा पक्षी ने अपने अंडों को जन्म दिया था दोस्तों। तो उसे ये युद्ध को देखकर उसे ये आवाज़ हो गया था कि यहाँ पर युद्ध शुरू होने वाला है और इस युद्ध को शुरू होने से मेरे बच्चे नहीं बचेंगे। तो दोस्तों उसने उस टटेरी ने अपने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे बच्चे बच जाएँ। तो भगवान की यह माया देखो दोस्तों कि उन्होंने इंद्र के हाथी गले में लटके हुए घंटे को गिरा दिया और वह घंटा सीधा उस टटेरी मादा पक्षी के अंडों पर जा गिरा। तो दोस्तों उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अग्निबाण चले, बहुत जमीन बंजर हुई, गोले चले, लेकिन उस अंडों को
कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, उन अंडों को आँच नहीं आने थे प्रभु ने, तो ये दृश्य दोस्तों वहीं से लिया गया है दोस्तों। मैंने आपको जो बता रहा, ये जो घंटा रखा है ये वही घंटा है जो इंद्र के गले से, इंद्र के हाथी के गले से गिरा था। और ये जो चित्र जो पक्षी का दिख रहा है ये टटेरी का है, और इसके नीचे आप जो देख रहे होंगे ग्रे कलर में, ये वही अंडे हैं दोस्तों। तो ये है मंदिर के दूसरी तरफ से मंदिर के परिसर का नज़ारा। यहाँ शाम के समय बहुत लोग पास के घूमने आते हैं दोस्तों, और यहाँ कीर्तन भजन कीर्तन भी मंदिर के अंदर करते हैं दोस्तों। ये जो सामने देख रहे हैं इसके दर्शन मैं आपको कराऊंगा अब। और ये है मंदिर का पूरा नज़ारा जो आप इस समय देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं अभी बोला था कि इसके दर्शन कराऊंगा, तो ये वही है दोस्तों। यह एक कमरे की तरह है दोस्तों, लेकिन ये चारों तरफ से खुला हुआ है, और इसके ऊपर चित्र बने हुए हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध यहाँ कुछ कह रहे हैं यहाँ पर, और दूसरे चित्र में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। और भी यहाँ प्राचीन चित्र अलंकृत हैं इस दीवार पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर किसी युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों, और देख लीजिए धीरे धीरे पूरे चित्र बने हुए हैं यहाँ पर। अब आपको कराते हैं इस मंदिर में विराजमान प्राचीन पीपल वृक्ष के दर्शन, जिसकी दोस्तों भक्तगण करते हैं पूजा। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है वृक्ष जिस समय आप देख रहे हैं इस वृक्ष को। ये देखिए दोस्तों सामने इस मंदिर की लास्ट दीवार, और दिखाते हैं आपको फिसलनी जिस पर बच्चे अक्सर खेला करते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों फिसलनी जो आप देख रहे हैं इस समय, और ये बैठे हैं सामने इंद्रदेव अपने हाथी पर इधर। अब चलते हैं मंदिर के मेन गेट की तरफ। तो दोस्तों यही है वो मेन गेट जिससे हम मंदिर के अंदर आए थे दोस्तों। मंदिर के मेन गेट के दोनों तरफ चार पांच दुकानें हैं जो दोस्तों लगभग पूरे दिन खुली रहती हैं, क्योंकि दोस्तों मंदिर बंद हो या खुला लोग यहाँ पूरे दिन आते जाते रहते हैं। और सबसे मेन बात दोस्तों, और मंदिरों की तरह इस मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। तो दोस्तों यह पहली दुकान जिसमें पूजा सामग्री से संबंधित, भगवान से संबंधित लड्डू गोपाल, उनके वस्त्र और भजन यंत्र आदि, और बच्चों से खेल कूद से संबंधित सारा सामान इन सभी दुकानों पर दोस्तों मिलता है। दो दुकान इधर भी हैं दोस्तों जिन पर नेकलेस वगैरह, वस्त्र और भगवान जी के जो भी आदि सामान पूजा सामग्री का होता है दोस्तों, वो सब यहाँ पर मिल सकता है, आप यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम आ गए हैं मंदिर से बाहर बिल्कुल मेन रोड पर। दोस्तों हम आपको दिखाते हैं इसी मंदिर की धर्मशाला, जिसे गीता धर्मशाला या बिल्ला धर्मशाला भी कहते हैं, जो रोड के उस पार है जो इस समय आप देख रहे हैं दोस्तों, वही है वो धर्मशाला। तो चलते हैं रोड क्रॉस करके और इसे भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने अब रोड क्रॉस कर लिया है और आ गए हम धर्मशाला की तरफ। यहाँ देखिए दोस्तों इस बोर्ड पर मंदिर और धर्मशाला के बारे में लिखा हुआ है, बिल्ला मंदिर एवं धर्मशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों ये है वो धर्मशाला, चलते हैं इसके पास। दोस्तों यहाँ पर यात्रियों को रुकने की उत्तम व्यवस्था है, जब भी आप मथुरा आएँ तो यहाँ भी रुक सकते हैं मथुरा में। यहाँ पहले से ही दोस्तों यहाँ बस खड़ी हुई है, तो यहाँ कुछ यात्री रुके हुए हैं। तो देखिए दोस्तों ये है वो धर्मशाला लिखा हुआ है, श्री गीता बिल्ला धर्मशाला, जो दोस्तों काफ़ी बड़ी है। अंदर तक मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए वो लास्ट दीवार है जो आप देख रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ तक दोस्तों ये बनी हुई है आप देख सकते हैं। और इधर से ये गया है वृंदावन का रोड, और ये है नज़ारा दोस्तों, वो है सामने बिल्ला मंदिर दोस्तों, और ये इधर मथुरा मंदिर का पूरा दृश्य है। मैंने आपको मंदिर के दर्शन कराए दोस्तों, यही है आज की वीडियो में, इतना यही दिखाना था आपको दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना, थोड़ा प्यार बनाए रखना। तब तक के लिए आपको नमस्कार, श्री राधे, बोलो बाके बिहारी लाल की जय।